हेलो दोस्तों, मैं फैजल। हम सफ़र की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इसके बारे में बात करेंगे, पांच कमियां जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। तो पहली कमी की बात करें, पहली कमी है, अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो 11 लाख रुपये खर्च करके, तो ये कम से कम इसमें DRL तो प्रोवाइड करने ही चाहिए थे, यहाँ फोग लैंप के चारों तरफ, जिससे लुक इसका और अपलिफ्टेड होके मिलता। तो पहली कमी तो आपको यही बताऊंगा कि इसमें DRL प्रोवाइड करनी चाहिए थी। जब आपको 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो कम से कम DRL तो प्रोवाइड करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे छोटी जो बलेनो ब्रेजा जैसी गाड़ी है उसमें भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अब चलते हैं इसकी दूसरी कमी की बात करते हैं। इसके अंदर है दूसरी कमी, ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी तो माइंड मत करना दोस्तों, यहाँ थोड़ा ट्रेन के करीब मैं बना रहा हूँ, रोड के पास है पटरी उसकी। तो एक बार इसके अंदर चलते हैं और बात करते हैं इसकी दूसरी कमी के बारे में। तो मैं आपको इस स्पेसिफिक वेरिएंट के बारे में बताता हूँ, ये न्यू अर्टिका ZXI वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे वेरिएंट है। तो उसका बता रहा हूँ आपको, उसकी कमी क्या क्या है मेरी गाड़ी में। तो होनी चाहिए थी ये थोड़ा बहुत, अगर 11 लाख रुपए कोई बंदा दे रहा है तो ये सब तो होना ही चाहिए था। तो यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि धूप हो रही है बाहर, और अगर आप गाड़ी चलाते हो ना धूप में तो ये चमकता नहीं है ढंग से, एक बार ऐसा करके देखना पड़ता है कि इसमें सिस्टम में है क्या क्या लिखा है। तो ये छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, और इसकी बात करूँ तो पीछे इसके साथ बैक कैमरा तो ज़रूर देना चाहिए था कि भाई अगर आप लगा लो टॉप मॉडल में सात इंच का टच स्क्रीन दे रहे हो, तो इसमें कम से कम 4 इंच का या 5 इंच का तो दे ही देना चाहिए था, जिससे कि बैक कैमरा देखने में गाड़ी की हेल्प हो जाए। क्योंकि देख सकते हो आप पीछे कितनी बड़ी गाड़ी है, तो बैक करने में और दिक्कत आती है। और इसकी तीसरी कमी की बात करें तो तीसरी कमी है इसका ये, जो कि है हैंड रेस्ट लगा लो। अगर कोई बंदा इस गाड़ी में बैठ के चला रहा है और ऐसे अगर उसने हाथ रख रखा है, तो जो साइड पैसेंजर है जिसे कहते हैं को पैसेंजर, वो अपना हाथ यहाँ दूसरा बंदा यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ पे लगा लो, इतना ही जगह है, ये छोटा बहुत है, देख लो आप, दूर से दिखाता हूँ आपको, ये छोटा बहुत है, ये अपना एक ही हाथ रखा जाता है इस पूरी गाड़ी पे, मतलब एक ही हाथ रखा जाता है इस हैंड रेस्ट में। और इसमें स्टोरेज भी कम है, इसमें लगा लो कुछ फिट ही नहीं होगा, इतना सा स्टोरेज है, देख लो जरा सा, बस यहाँ तक उंगलियों तक इतना सा स्टोरेज दे रखा है। और इसमें कुछ लगा लो चिल्लर ही फिट आएंगे इसमें, चिल्लर या नोट, तो ये देख लो अपना हाथ इतना ही हाथ इसमें फिट होता है, लगा लो एक ही हाथ का ये हैंड रेस्ट है, दूसरा अगर बंदा कोई बैठा तो यहाँ उसका हाथ आ नहीं सकता। तो अब इसकी तीसरी कमी की बात करें, जो कि इसके सामने बोनट में, तो मैंने अपना कैमरा अपने फेस के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, तो आप देख सकते हो पूरा बोनट चमक भी नहीं रहा इस गाड़ी में, इतनी बड़ी जैसे गाड़ी है वहाँ का। अगर मैं एक अपना इंसिडेंट बताऊं, तो मैं बैक कर रहा था और मुझे उधर का आइडिया नहीं हो पाता कि उधर कैसा बोनट है, क्या मतलब कितना है, अगर बोनट चमकता तो आइडिया हो जाता कि कितना तंग जगहों पे आराम से बैक हो जाती। तो ये थी इसकी चौथी कमी, जो कि था इसका बोनट, तो कम से कम अगर इतनी ऊंची गाड़ी है तो इसका बोनट कम से कम दिखाना चाहिए था। और अब चलते हैं इसकी पाँचवीं कमी की बात करूँ, तो पाँचवीं कमी है इसके टायर साइज़। जैसे कि आप देख सकते हो 15 इंचज़ के अलॉय व्हील दे रखे हैं पूरी इतनी बड़ी गाड़ी में, आप चेकआउट कर लो, इतनी बड़ी गाड़ी है और इसमें 15 इंचज़ के अलॉय व्हील दे रखे हैं। कम से कम भी इसमें अगर 16 इंच दे देते बलेनो जितने, या 17 इंच दे देते इसमें साइज़, तो और अपना बढ़िया लगता देखने में, जिसे कहते हैं आप देख लो अलॉय व्हील कुछ इस तरह देखने में। तो ये इसमें कम से कम दे देनी चाहिए था अलॉय व्हील्स का साइज़ तो बड़ा, जिससे और दूर से देखने पर और बढ़िया लगती गाड़ी। तो आपको अगर लगा लो, अगर ये पांच कमी के एक्स्ट्रा, अगर एक कमी और बताऊं जो कि है लगा लो एक्स्ट्रा ऐड ऑन, जिसे कोई पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन किसी को वो पसंद भी है किसी को नहीं, तो वो उसे कमी भी नहीं कह सकते इसके। एक बार पीछे चलते, पीछे बताता हूँ आपको, एक कमी तो नहीं कह सकते लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली बात करूँ तो पीछे इसके लाइट्स हैं, ये एक बार जला के दिखा देता हूँ आपको, तो देख लो एक बार इसकी लाइट्स कुछ ऐसे जलती है बस, ब्रेक मारने पे ये 4 लाइट जलेगी, 4 LED बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कम से कम अगर लाइट इसकी बड़ी होती तो यहाँ भी अगर होनी चाहिए थी इतनी बड़ी लाइट्स, जिससे और लुक इन्हांस होकर रात में और बढ़िया लगता। अगर आपको इसका नाइट व्यू देखना है तो इसकी वीडियो मैंने डाल दिया नाइट व्यू की, आप उसमें आई बटन में जाकर देख सकते हो। और आपको इसकी पाँच कमियों में से कौन सी आपको कमी लगती है कि जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए थी, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।